बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं का विस्तार हुआ और वो एक रोड मैप बना छत्तीसगढ़। आज देश उस नीति को अपनाने जा रहा है और इसके साथ ही जो आगामी हमारी योजनाएं हैं कि कम से कम जो हमारे नीचे का स्टाफ है वो गांव तक पहुंच जाए और जो विशेषज्ञ हैं वो चाहे हफ्ते में एक दिन जाए। हम एक नई योजना बना रहे हैं जिसका मैं आज तो खुलासा नहीं करना चाहूँगा क्योंकि परीक्षण के प्रयोग के तौर पे है, तो वो कमी को भी दूर करना। सबसे पहले आवश्यकता है कि अपने यहाँ की कमियों को पहचानना और उस कमियों को दूर करना, और ये काम हमारी सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे से कर रही है और वही कारण है कि आज हम कोई भी सामाजिक क्षेत्र के जो विभाग है उसमें तरक्की कर। चमक रही है परों में उड़ान की खुशबू, बुला रही है मुझे घर बार की खुशबू। तमाम ऊंचाइयों को नापने के बाद भी अमर अग्रवाल का ग्रामीण मन आज भी जिंदा है। प्रदेश वासियों से असीम प्यार रखने वाले इस जननायक के दिल हमेशा बिलासपुर को विकासधानी बनाने के लिए धड़कता है। यहाँ की सौंधी मिट्टी की खुशबू उन्हें बहुत देर तक दूर रहने नहीं देती। यही कारण है कि तमाम व्यस्तताओं के बावजूद वे क्षेत्र के सुख और दुख में लोगों के बीच बराबर नजर आते हैं। इस सरलता ने जनता के दिल में घर बना लिया। छात्रों से उनका लगाव देखते ही बनता है। अर्पा विकास एक बहुत बड़ी योजना है और मैंने पहले ही कहा कि दो योजनाओं में काम करना पड़ता है, एक तत्कालिक। अगर आज मैं बिलासपुर की तत्कालिक जरूरत समझूं तो बिलासपुर की सड़कें हैं वो भी जरूरी है, और एक होता है दीर्घकालिक। बिलासपुर का अगर बहुत सुंदरता करना है, एक अच्छा शहर के रूप में विकसित करना है, वो योजना है अर्पा, जो लगभग पूरा होने में 10 साल लगेगा, लेकिन उसकी प्रारंभिक तैयारी प्राधिकरण बना के हमने की है। उसके द्वितीय चरण में एक कंसल्टेंट बनाना और टेंडर तक पहुँचाना वो प्रक्रिया भी हमने प्रारंभ की है, लेकिन अर्पा विकास प्राधिकरण के माध्यम से हमारा संकल्प है कि बिलासपुर का अर्पा प्रोजेक्ट हम पूरा करेंगे और वो आने वाली पीढ़ी के लिए प्रोजेक्ट है, और आने वाली पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल को अर्पा विकास जिस दिन हो जाएगा वो हमको याद रखेगी। अमर अग्रवाल को प्रदेश की लोक कला संस्कृति से गहरा लगाव रहा है। परंपराओं से जुड़े लोगों के प्रति उनमें अपार श्रद्धा साफ दिखाई देती है। बिलासपुर में शबरी एम्पोरियम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा संचालित शबरी एम्पोरियम आज 20,000 कलाकार इस विधा से जुड़कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मिलन सारिता के लिए विख्यात अमर अग्रवाल को कुप्रथाओं से सख्त नफरत है, वहीं युवाओं के रचनात्मक कार्यों को देखकर उन्हें अपार खुशी होती है। ऐसे युवाओं के मदद के लिए हर पल तैयार रहते हैं। आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी चुनौती के रूप में पूरे विश्व के सामने आया है वो है बेरोजगारी की समस्या, और कोई केवल हमारे देश में नहीं है, जो डेवलप कंट्री हैं वहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम प्रारंभ हो गई है। मैं यूरोप गया था अभी, वहाँ भी मैंने महसूस किया। वो एक अलग बात है कि वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट के लिए एक कुछ विशेष भत्ता दिया, उनका जीवन यापन में कहीं तकलीफ नहीं जाती, लेकिन किसी की ऊर्जा का उपयोग नहीं होना किसी भी राष्ट्र का नुकसान है, और वास्तव में इसके लिए काम करने की जरूरत है। और युवाओं को रोजगार में दिलाना किसी भी सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए, और उस प्राथमिकता में बहुत से कदम हमको उठाने पड़ेंगे। सारे प्रदेश की स्थिति समझना पड़ेगा। जैसे अगर हमको ग्रामीण रोजगार की बातचीत करना है तो हमको उस प्रकार की नीतियाँ बनानी पड़ेगी। दूसरा, बहुत से लोग हैं कि हमारे देश में जो शिक्षा का पूरा लाभ नहीं ले पाए, जो हायर सेकेंडरी तक रह गए, उनके लिए उसके प्रकार का जॉब हमको खुद ढूंढना पड़ेगा। जो बहुत एजुकेटेड हो गए उनके लिए उस प्रकार के जॉब का निर्माण करना पड़ेगा। और इसमें जो सबसे बड़ी कमी है वो है कि वोकेशनल ट्रेनिंग की। जैसे एक छोटे से उदाहरण के तौर पर बताऊंगा, मैं ये राजमिस्त्री जो हमारा ट्रेडिशनल था धीरे धीरे आज मिलते नहीं हैं। आज आप शहर में ढूंढने जाओ
लेकिन आज युवकों का आप उसकी वोकेशनल ट्रेनिंग दे देंगे राजमिस्त्री की, तुमको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। इस प्रकार के सेक्टर को चिन्हांकित करना, क्योंकि जो भी कम पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा है उसके पास इतने संसाधन नहीं रहते कि वो उस बात को आइडेंटिफाई कर सके कि मैं यहाँ फिट हो सकता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को ये काम करना चाहिए, वो एक युवाओं के लिए एक अच्छी सुविधा होगी। जो जिस योग्य है उसके योग्य के लायक जॉब का चिन्हांकन करना और चिन्हांकन करके नीतियाँ बनाना, और उस दिशा में हमारी सरकार ने काम भी किया है और उसी का नतीजा है कि रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ की एक स्पष्ट नीति होने के कारण हम उसमें कुछ कर पाए। अमर अग्रवाल और जनता के बीच संवादहीनता की नौबत कभी नहीं आई। उनके विभाग से संबंधित काम हो या न हो, प्रशासनिक अधिकारियों की गतिविधियों पर उनकी हर पल नजर रहती है। समस्या का निदान नहीं होने पर वे अधिकारियों की क्लास लेने में कभी पीछे नहीं रहे। मकसद सिर्फ यही कि काम समय पर हो और जरूरतमंद लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। ऐसे जननेता को ग्रैंड गुंबर न्यूज परिवार की ओर से जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। कितनी आसानी से मुझको जिंदगी ने कह दिया, तुम नहीं मेरा कोई दूसरा हो जाएगा। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। ग्रैंड गुंबर न्यूज के लिए भास्कर मिश्रा की रिपोर्ट।